हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब आई होप आप सब बहुत ही खुश और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं कहते हैं मैम रोज एक ही बात बोलते हो कि मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कहते हैं कि कुछ बातों को बार बार यदि रिपीट किया जाए तो वो याद हो जाती है चीजें है ना तो आप बार बार यही शब्द आपके कानों में गूंजेंगे तो आप मन लगाकर पढ़ाई करोगे ना इसीलिए हम बार बार कहते हैं आप मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं। होंगे अब मैं ये नहीं कहूंगी अब मैं कहूंगी कर रहे हैं right? क्योंकि मुझे पता है आप सब बच्चे जब एक साथ लाइव आकर मेरे साथ जुड़ते हैं तो ये विश्वास हो जाता है कि सच में आप मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं तो मैं पूनम प्रजापत रसायन विज्ञान की कक्षा ग्यारहवीं में आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ आप सब अच्छे हैं बिल्कुल अच्छे हैं कल एक बच्चे ने कहा था मैम हम अच्छे हैं बच्चे अच्छे होते हैं तभी तो अच्छे से पढ़ाई करते हैं बिल्कुल आप अच्छे हैं इसीलिए तो मन लगा कर पढ़ाई कर रहे हैं सही कहा है बिल्कुल जी बिल्कुल। तो अब आज अपन क्या करने वाले है? एक नए चैप्टर की शुरुआत अपने दो चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं ग्यारहवीं कक्षा के दो टॉपिक्स क्लियर हो चुके हैं थोड़ा ध्यान से है ना जो चीजें हमने पढ़ ली है वो बिल्कुल आपकी कहते हैं ना पिन पॉइंट क्लियर होनी चाहिए उसमें कुछ भी ऐसा नहीं कि ये इधर रह गया छुट गया नो no. मैंने टॉपिक टू टॉपिक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है तो आपसे मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आपने वो नोट्स बनाकर वैसे ही अपने नोट्स को आप पढ़ रहे हैं क्लियर अभी मैंने फर्स्ट चैप्टर में क्या किया सेकंड में क्या पढ़ाया है और फिर हम थर्ड th चैप्टर में क्या पढ़ेंगे वो सबको कोरिलेट करते हुए आपको यहाँ तक लेके आऊंगी तो उसके लिए जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए सभी बच्चों को क्लास को शेयर कर दीजिए चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर दो ताकि सभी बच्चे इन चीजों को जो नहीं पढ़ पा रहे हैं वो भी इन चीजों को पढ़ सके समझ सकें और जो उन्होंने भविष्य में सोचा है वो टारगेट पूरा कर सके बेटा है ना कुछ लोगों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास करो हमेशा जोड़ने का जो व्यक्ति सोचता है वो व्यक्ति अपने आप अपनी सफलता को प्राप्त कर लेता है राइट right? तो जल्द जल्द शेयर करो जल्दी से जल्दी करो फटाफट तब तक मैं क्लास में आज जो पढ़ाने वाली उस टॉपिक या यूं कहूं उस चैप्टर तक आ जाती हूँ तो फटाफट सुनोगे सब बच्चे ध्यान से और सुनने के साथ साथ कॉपी पेन को भी हाथ में उठा लेंगे भाई जरूरी है बेटा हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था क्या रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, राइट वहां से शुरू हुई थी हमारी ये जर्नी केमिस्ट्री की राइट वहां हमने पदार्थ से टॉपिक को शुरू किया था पदार्थ जो सब कोई भी वस्तु मौजूद है वो सब पदार्थ है या आप हैं, या हम हैं, या कोई भी कहते हैं फोन है कैमरा है जो कुछ भी देख रहे हैं वो सब पदार्थ है राइट वहां पर अपन ने पदार्थ पदार्थ में उपस्थित कण के बारे में पढ़ा और कौन कौन से पदार्थों का निर्माण किया जा सकता है वो नियम भी हमने पढ़ लिए थे इन सब को पूरा करते हुए हम थोड़ा आगे की ओर बढ़े और हमने कहा जो पदार्थ में कण मौजूद है उसे क्या कहा जाता है तो वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च करते हुए कहा कि ये परमाणु होता है राइट परमाणु जब उसके बारे में उसके खोज की गई तो उसमें उस परमाणु कण मिले उन पर रिसर्च हुआ उसके बाद परमाणु परमाणु से हमने तत्व के बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए तो वहां फिर रिसर्च किए गए ये जो परमाणु है हम किस तरह से रखेंगे उन पर खोज की गई और आज हम वही चीज डिस्कस करने वाले हैं यानी पदार्थ से परमाणु और परमाणु से तत्व तक हम आज पहुंच चुके हैं तो अब हम पढ़ेंगे तत्व जो तत्व होते हैं उनके क्या उनकी वर्गीकरण की क्या जरूरत पड़ी और उनके गुणधर्म में आवर्तिता का क्या अर्थ है जो आपका आज का चैप्टर है जिसका फर्स्ट लेक्चर हम आज स्टडी करेंगे तो शायद आपको बात समझ में आ गई कि हम आज थर्ड चैप्टर में कैसे पहुंच गए हैं क्लियर बात समझ में आ गई तो एक नजर डालो जल्दी से आज हम जो पढ़ने वाले हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों आज हम पढ़ेंगे जो तत्व हैं उनके गुणधर्मों के बारे में उनके वर्गीकरण के बारे में सामान्य परिचय पढ़ेंगे साथ ही हम डिस्कस करेंगे कि ये जो तत्व हैं इन तत्वों को आवर्त सारणी के रूप में या यूं कहूं कि इनको व्यवस्थित किसने किया तो वो मैंडलिफ उसके बारे में उसकी जो सारणी के महत्व है उनके बारे में और जो दोष आए उसके बारे में डिस्कस करेंगे उसके बाद मेंडलिस के दोष को दूर करने के लिए जो वैज्ञानिक आया हेनरी है, मोसले उसने जो आवर्त सारणी प्रस्तुत की उसके बारे में डिस्कस करेंगे उसकी कमियों को दोषों को भी स्टडी करेंगे जहां से क्वेश्चन आते हैं वो भी हम यहां देखेंगे साथ ही साथ लास्ट में हम आज के टॉपिक में एंड जो होगा वो होगा आईयूपीएसी नामकरण जरा ध्यान से आईयूपीएसी नामकरण वो नहीं जो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं नो ये आई नामकरण अलग तरह का है जब तत्वों की खोज की गई थी तो वहां पर तत्वों का नामकरण कैसे हो तो इंटरनेशनल जो यूनियन पद्धति है उसने इस पर रिसर्च करके इनके कुछ नाम दिए गए वो क्या है किस तरह उन्हें लिखा जाता है वो सब भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे ओके बात समझ में आ गई तो फटाफट क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दें और अब चलते हैं हम अपने टॉपिक पर जिसमें हम सबसे पहले सामान्य परिचय देखेंगे यानी कि आज जो आप तत्व पढ़ने वाले हैं वो तत्व किस तरह से रखे गए हैं उनको हम किस तरह से पढ़ेंगे एक सामान्य परिचय क्या होता है उसको देखकर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं चलते हैं सामान्य परिचय में परिचय क्या कहता है कि सभी तत्वों का व्यवस्थित ढंग से अध्ययन करना सभी तत्वों का क्या व्यवस्थित ढंग से अध्ययन करने के लिए तत्वों का वर्गीकरण प्रस्तावित किया गया राइट? जैसे अगर हम लोग बात करें कि कोई भी चीज घर में रखी गई है या यूं कहूं मैं केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बात करूं तो हमारी जो लैब होती है उसमें बहुत सारे केमिकल्स हैं लेकिन अगर जहां एसिड है वहां सब एसिड ही मिलेंगे जहाँ बेस है वहाँ सब बेस ही मिलेंगे जहाँ सॉलिड कंपाउंड्स है वहाँ सॉलिड कंपाउंड्स ही मिलेंगे तो एक व्यवस्थित क्रम है ना वैसे ही जब तत्वों की जानकारी हो गई तो वहाँ पर व्यवस्थितता का क्या मतलब हुआ तो कहा कि तत्वों को व्यवस्थित रूप देने के लिए हम लोग क्या करते हैं इस तत्वों का वर्गीकरण करते हैं और ये वर्गीकरण करने के लिए कहते हैं कोई भी कार्य करते हैं तो उसके पीछे एक लॉजिक और नियम होता है तो वहां नियम भी स्टडी करेंगे आवर्त नियम आवर्त सारणी के विकास का अध्ययन साथ ही जो साइंटिस्ट आएंगे मैंडलिव वो आवर्त सारणी के बारे में बताएंगे और वो जिस आवर्त सारणी के बारे में डिस्कस करेंगे उसमें वो तत्वों को मेनली किस पॉइंट पर डिफाइन करेंगे वो डिफाइन करेंगे परमाणु भार पर ओके okay, इंपॉर्टेंट लगा लेना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ जाते हैं आधुनिक फिर इसके बाद जो कमियां और उसमें जो तत्वों का आवर्त सारणी में व्यवस्थित किया गया वर्गीकरण किया गया वो क्या था बेटा परमाणु क्रमांक क्रम में सात छेतिज पंक्तियां जिन्हें आवर्त कहा गया और उर्दर स्तंभ जिन्हें समूह में व्यवस्थित किया गया जरा ध्यान देंगे इस तरह से अपन चीजों को लिखते हैं तो अपने को एक तो ये लाइन दिखाई दे रही है और एक ये ये छेतिज है बेटा और ये उर्धर है क्लियर बात समझ में आ गई होगी उर्ध हो गई है ना तो कहा कि जो खड़ी लाइनें होती हैं उन्हें उर्धर स्तंभ या समूह कहा जबकि छेतीस लाइनों को क्या कहा बेटे आवर्त कहा आवर्त और इन्हें समूह कहा क्लियर राजा बात समझ में आ गई बेटे ओके डन वेरी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड ऐसे जुड़ते रहो कमेंट करते रहो और कमेंट के साथ साथ ध्यान यहां पर भी रखो बातें नहीं करो जी बिल्कुल नहीं बातें नहीं करनी बातें बाद में करेंगे अपन लास्ट में ओके उतारेंगे आप इसको ये परिचय समझ में आया परिचय यानी बेस क्या है चैप्टर का ओके डन चलते हैं आगे अब अपने टॉपिक पर आते हैं टॉपिक कहता है कि आज जो आप तत्वों का वर्गीकरण कर रहे हैं वो वर्गीकरण की आवश्यकता ही क्यों पड़ी आपको जरूरत ही क्या है कि आप उसे वर्गीकृत कर रहे हैं। रख दो तत्वों को एक लाइन में खत्म करो व्यवस्थित कर दिया ऐसा नहीं है जरूरत होती है जैसे अगर एसिड के पास में एसिड एसिड ही रखे गएंगे तो अपने को ज्यादा हर कहीं लैब में घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपन तत्वों को जो अपने सोल्यूशन है एसिड को अगर किसी को बताना है कि वहां से एसिड लेकर आओ तो अपन कह देंगे थर्ड रो में फर्स्ट जो रखा गया है वो एसिड है राइट तो वैसे ही और यदि हम अपने जीवन के बारे में बात करें मानव जीवन के बारे में बात करें तो इस सृष्टि में बहुत सारे जीव हैं अलग अलग प्रकार के हैं ना मनुष्य भी हैं पशु भी हैं पक्षी भी हैं है ना अब पशुओं के साथ पशु ही रहते हैं पक्षी नहीं पक्षियों में पक्षी रहते हैं मानव जो जाती है वह मानव ही मानव रहते हैं ऐसा क्यों है सबको एक साथ रहना चाहिए ना जहाँ मानव है पशु है वह पक्षी भी है सब एक साथ रहो ना अलग है ना हम कमरे में रह रहे हैं पशुओं को हम अलग जगह रखते हैं पक्षियों को हम अलग जगह रखते हैं क्योंकि उनके गुण अलग हैं उनके रहने का तरीका अलग है उनके खाना पीना सब अलग-अलग है अगर सब एक साथ मिक्स हो गए तो पता ही नहीं चलेगा किसके लिए क्या कहा जाए या किसके लिए क्या बनाया जाए कौन क्या खाएगा राइट right? वैसे ही तत्वों को भी डिस्क्राइब किया गया है क्लियर तो इस तरह अपन देख सकते हैं कि वर्गीकरण की इसीलिए आवश्यकता पड़ी कि तत्व जो हैं जिनके गुणधर्म समान उनको एक साथ रखो क्लियर ताकि हम उन्हें वहीं से स्टडी कर सके राइट right? तो एक नजर डालते हैं वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों? कहा जाता है कि सभी तत्व तत्व सभी प्रकार के पदार्थों की मूल इकाई है ये बात तो सही है क्योंकि कोई भी पदार्थ के अंदर तत्व ना हो ऐसा पॉसिबल नहीं है तत्व ही पदार्थ में मौजूद होता है तभी वो पदार्थ बनता है वर्तमान में 108 तत्व ज्ञात हैं। तत्वों की इतनी बड़ी संख्या के साथ इन सभी तत्वों के रसायन विज्ञान और उनके यौगिकों की संख्या का व्यक्तिगत रूप से अध्ययन करना बहुत मुश्किल है सही है इंडिविजुअल एक एक तत्व को देखें अलग अलग जाकर यानी कि सब बहुत सारे रख दिए क्या कहें कि अम्ल भी रख दिया चार भी रख दिया लवण भी रख दिया अब जाके ढूंढो कि अम्ल कहाँ है चार कहाँ है तो अपने को बहुत सारी चीजें एक जैसी दिखती है अम्ल भी व्हाइट कलरलेस छाल भी कलरलेस दिखाई दे रहा है तो अब टेस्टिंग करो फिर देखो कि वो एसिड है या बेस राइट right? तो इतना व्यक्तिगत रूप से किस चीज को देखना संभव नहीं है क्योंकि बहुत लंबा समय गुजर जाएगा रिसर्च भी तो करना है आंसर भी तो करना है तो कहा गया व्यक्तिगत रूप से करना बहुत मुश्किल है इसलिए रसायन विज्ञान के अध्ययन को सरल बनाने के लिए वैज्ञानिकों ने तत्वों को वर्गीकृत करके अपने ज्ञान को व्यवस्थित करने का एक व्यवस्थित तरीका खोजा इस वर्गीकरण के पीछे मुख्य उद्देश्य समान गुण वाले तत्वों को एक स्थान पर रखा तथा सात ताकि उस समूह में एक तत्व का अध्ययन करके हम उस समूह की पूरी जानकारी या उनके गुणों के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त कर सकें सही है बात समझ में आ गई होगी फटाफट उतारेंगे जल्दी से देखें जल्दी जल्दी जल्दी, जल्दी बेटा क्लियर चलते हैं आगे अब आते हैं अपने दूसरे टॉपिक पर वर्गीकरण का पता चल गया अब जब आप अवश्य वर्गीकृत कर रहे हैं तो अलग-अलग वैज्ञानिक आए और उन्होंने इन तत्वों को अलग-अलग क्रम में रख दिया अभी सारणी की बात नहीं कर रहे हैं। अभी तत्व ही हैं और तत्वों को अलग-अलग समूह देखकर के कहा कि इनके गुण इनसे मिलते हैं करेक्ट तो सबसे पहले इनमें आए कौन सबसे पहले आवर्त सारणी के बारे में बताया गया और कहा कि आवर्त सारणी को तत्वों की सारणी व्यवस्था के रूप में परि... परिभाषित किया जा सकता है समान गुणों वाले तत्वों को एक साथ रखा जाता है अभी केवल और केवल इनको क्या किया गया है गुणों के आधार पर एक साथ तत्वों को समूहित किया गया है जिसमें सबसे पहले आया कौन डॉबेर राइनर का त्रिक क्या मतलब है डोबेरन नामक एक वैज्ञानिक आया इससे एक लोथर मेयर नामक एक साइंटिस्ट इससे पहले भी आया था लेकिन उसने इतना रिसर्च में नहीं दिया उससे हम लोगों को सीधा हम लोग यहाँ पर राइन का ही पढ़ते हैं तो राइनर जो आया था उसने कहा क्या? उसने कहा कि तत्व जो है, तत्व जो जो वो तीन तीन के समूह में रखो ए बी और सी तीन समूह में तत्व रख दो और आप देखोगे कि तीन समूह में रखने के बाद पहला और तीसरे का जो परमाणु भार है अब ये शब्द तो अपने को पता है ना परमाणु भार परमाणु क्रमांक इसके बारे में चर्चा करने की जरूरत नहीं क्योंकि सेकंड चैप्टर और फर्स्ट चैप्टर में बहुत क्लियरली डिफाइंड है ओके okay? तो परमाणु भार जो है उनका औसत आप जब निकालते हैं औसत जब आप निकालते हैं तो औसत का जो मान आता है वो मान मध्य वाले तत्व के परमाणु भार के बराबर हो क्लियर इनका परमाणु भारों का योग करके औसत निकालो जो मान आएगा वो मध्य वाले मध्य उपस्थित तत्व के के परमाणु भार क्या होगा बराबर होगा ये किसने बोला डोबेराइनर ने बोला और त्रिक मतलब तीन का समूह लेकर तत्वों को व्यवस्थित तीन 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 उसने समूहों को व्यवस्थित समूह के रूप में तत्वों को व्यवस्थित कर दिया बात क्लियर ओके okay, डन चलते हैं एक नजर हम एग्जाम्पल पर डाल लेते हैं कि अपना जो एग्जाम्पल है वो किस तरह से इसको उतार लेना भाई जल्दी से इसको ठीक है ओके चलते हैं आगे तो अब जब अपन बात कर रहे हैं तो अपन देखते हैं कि अपना जो क्या एग्जाम्पल है वो कैसा है ये रहा। अब इन्होंने कहा कि ये तो समूह के बारे में मान बोल दिया है इन्होंने और बोल करके कह दिया कि क्या क्या बोला जरा ध्यान देंगे क्या बोला कि डब्ल्यून द्वारा दिया गया था इसमें मध्य तत्व का वही बात जो मैंने बताई है परमाणु के औसत मान के बराबर होता है ठीक है चलो जी चलो एग्जाम्पल देखेंगे एग्जाम्पल में आप क्या देख पा रहे हैं एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं लिथियम पोटेशियम सोडियम ठीक अब इन तीनों तत्वों को आप देखेंगे तो लिथियम का परमाणु भार लिथियम प्लस पोटेशियम का परमाणु भार ठीक है परमाणु भार एटॉमिक मास तो कितना है सात प्लस थर्टी नाइन कितना हुआ फोर्टी सिक्स इसका औसत निकल गया ये और ये औसत किसके लिए दिया गया है ये दिया गया है आपके किसके बराबर सोडियम के एटॉमिक मास के बराबर जो कितना आया है यस और नो बात समझ में आई या नहीं औसत समझ में आया नहीं जल्दी बताओ जल्दी 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 बाकी सभी के आपको करना है अब भी करना है मेरे सामने ही करना है फटाफट कमेंट में लिखकर बताओ कि आपका ये आंसर 80 आ रहा है क्या 87 आ रहा है क्या 58 आ रहा है क्या जल्दी जल्दी अरे बातें नहीं करो बच्चों बातें नहीं करो भाई बातें बाद बाते में कर लेना पहले पढ़ाई पे ध्यान दो इधर टॉपिक को सब देखो कई बच्चे ये कहते भी हैं कि यहाँ पर पढ़ाई का पढ़ाई छोड़कर बच्चे बातें कर रहे हैं तो ऐसा नहीं करो देखो सब मिलकर पढ़ाई करो कहते हैं संगठन में शक्ति होती है है ना मिलकर करोगे तो रिजल्ट अच्छा आएगा देखो एक पता है एक बात क्या होती है जरा ध्यान से सुनना मेरी बात सुनते सुनते ये एग्जाम्पल करते रहो साथ में कि अगर अपन चार लोग साथ पढ़ रहे हैं तो चार में से सबके अलग अलग दिमाग चल रहे हैं तो अगर एक बच्चा कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो दूसरे को वो क्लिक नहीं किया तो उसको उसका भी पता चल गया दूसरे ने जो किया वो तीसरे को पता नहीं चल रहा तीसरे को किया चौथे को पता नहीं चल रहा तो चार अलग अलग क्वेश्चन चार लोगों के दिमाग में आए तो प्रत्येक बच्चे को चार चार क्वेश्चन नहीं पता चल गए क्या अगर आप अकेले पढ़ते तो एक ही क्वेश्चन पता करते लेकिन चार जने पढ़ रहे हो तो चार क्वेश्चन आ गए बेनिफिट फॉर यू क्लियर तो ऐसे पढ़ो ना इसीलिए कहते हैं मैं उनके आंसर कर रही हूँ तो ध्यान से पढ़ो भाई ठीक है आगे आंसर वेरी गुड सबको पता चल गया क्लियर हो गई ओके okay, डन अब ये कह रहा है कि ये पैटर्न जो फॉलो किया गया था डॉबलाइन द्वारा वो सबके लिए नहीं था केवल सीमित ही था तत्वों में सबके लिए पॉसिबल नहीं था ओके डन अब चलते हैं आगे अब दूसरा साइंटिस्ट कौन आया भाई दूसरा वैज्ञानिक आया न्यूलैंड का अष्टक नियम न्यूलैंड का अष्टक नियम न्यूलैंड क्या कहता है न्यूलैंड नामक वैज्ञानिक ने कहा कि जैसे स्वर जो होते हैं वो सात होते हैं ना सात स्वरों का जो समूह आता है सारे ग पी सा तो पहला और सातवां जो स्वर है वो एक जैसा है ना सात से सात तक गए तो वैसे ही तत्वों में भी पहला तत्व आठवें तत्व के गुण में बिल्कुल समान होता है अब तक नवे जो ग्रुप है वो अपनी खोज नहीं की गई है वो लंबे बाद में खोजा गया था तो और न्यू न्यूलैंड जब आया तो उसने कहा कि जिस प्रकार स्वर जो होते हैं उसमें सरगम में जो स्वर होते हैं सरगम में सारे गिशा वो सरगम के पहला और सातवां जो स्वर समान होता है वैसे तत्वों में भी पहला तत्व सातवें तत्व के गुणों में समानता प्रदर्शित करता किसने बोला न्यूलैंड ने बोला तो जरा एक नजर न्यूलैंड की परिभाषाओं पर जॉन न्यूलैंड ने देखा कि परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित तत्वों की श्रृंखला में पहला और आठवां तत्व के गुण हाँ सारे गि सा सॉरी तो आठवां तत्व पहले से बिल्कुल क्या है समान है सात आठ में आजकल उस श्रृंखला में पहले और नवे के बाद बात की जाती है लेकिन वो अभी तक तक जब न्यूलैंड ने खोज की तब तक खोजा नहीं गया कुछ समय बाद वो खोज की गई थी तो हम अपन ये बात डिस्कस कर सकते हैं बात समझ में आई चले चले आगे तो एक नजर एग्जाम्पल पर देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और एट सोडियम आ रहा है सोडियम तो ये जो सोडियम है इसके गुणधर्म जो है वो लिथियम से बिल्कुल कनेक्टेड है जैसा गुण लिथियम का वैसा गुण सोडियम के भी है इसलिए कहा गया कि पहला और आठवां जो है उनके बिल्कुल सिमिलरली बात की जाती है बात समझ में आ गई बात क्लियर भी हो गई अब चलते हैं अपन बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन फिर आता है नियोन पहले ये खोजा नहीं गया था राइट अब आता है कैल्शियम है ना तो उस समय जब अपन बात कर रहे थे तो जैसे मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम के नीचे क्या आएगा कैल्शियम तो मैग्नीशियम के गुण भी कैल्शियम के समान प्रतीत होते हैं उनके गुणधर्म जो होते हैं वो समान होते हैं तो जिस प्रकार सरगम के जो क्या होते हैं स्वर होते हैं सात स्वरों में आठवां जो स्वर होता है वो पहले के क्या होता है बराबर होता है बात समझ में आ गई टॉपिक क्लियर हो गया सारे गामा पदा नी सा तो पूरा क्लियर ओके डन चलते हैं आगे अब ये तो टॉपिक क्लियर हो चुका है अब चलते हैं हम आगे अगली आती है मैंडलिफ की आवर्त सारणी ये क्या है अच्छा हमने अभी क्या पढ़ा हमने पढ़ा तत्वों का वर्गीकरण का टॉपिक कि वर्गीकरण क्यों करें हम कहा कि तत्व बहुत सारे हैं अलग अलग रखो तभी समझ आएंगे कौन सा तत्व किसके साथ गुण प्रदर्शित करता है ठीक वो भी कर दिया गुण भी समान बता दिए अब अब कहा कि व्यवस्थित करो जैसे एसिड को अलग रख दिया बेस को अलग रख दिया लवण को अलग रख दिया अब कहा कि कोई क्या बनाओ अलमीरा बनाओ जिसमें इनको अलग अलग हम रख सकें एक सारणी तैयार करो भाई कि एक दीवार पर एक सारणी बनाओ अच्छे से रो कॉलम बनाओ जिसमें अपन एसिड को को रख सकें, बेस को रख बेस तो कहा कि तत्वों के गुणधर्मों की ठीक है जानकारी लेकिन इनको सारणीबद्ध भी तो करना होगा तो सारणी के रूप में सबसे पहले तत्वों को जब अरेंज किया तो वो वैज्ञानिक कौन था, था। राइट याद करो याद कि मैंडलिफ ही वह वैज्ञानिक है जिसने तत्वों को सबसे पहले आवर्त सारणी में रखा आवर्त क्यों? क्योंकि गुण जो हैं बार बार रिपीट होते हैं फ्रीक्वेंसी होती है में। तब आवर्त शब्द जोड़ा गया आवृत्ति क्लियर बात समझ में आ गई तो चलते हैं आगे जरा देखते हैं मैंडलिफ क्या कहता है मैंफ कहता है कि तत्व जो हैं उनके भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भार का एक आवर्ती फलन होता है परमाणु भार ने तत्वों को किस रूप में वर्गीकृत किया परमाणु भार के आधार में वर्गीकृत करके उन्हें एक सारणी में व्यवस्थित किया राइट चलते हैं आगे आधुनिक आवर्त नियम जो है मैंडलिफ का आवर्त नियम क्या है आवर्त सारणी को तो व्यवस्थित कर दिया इसने नियम दिया तो नियम में कहा कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्ती फलन होता है। ने उस समय ज्ञात तत्वों को बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित किया और इस व्यवस्थित करने के क्रम को आवर्त सारणी कहा गया क्लियर बात समझ में आई तो समान विशेषताओं वाले तत्व ऊर्धर पंक्तियों में मौजूद थे जिन्हें समूह कहा जाता है और क्षेत्रिज को आवर्त कहा जाता है ये बात मैंने बता दी है मैं बार बार बता रही हूं यह है क्षेत्रिज और यह है ऊर्धर क्षेत्रिज है वो आवर्त है और जो ऊर्धर है वो समूह है क्लियर बात समझ में आ गई होगी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के रूप में उन्होंने आवर्त सारणी में व्यवस्थित किया था और सबसे पहले इन्होंने ही आवर्त सारणी दी थी क्लियर अगर क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन क्या होगा कि सबसे पहले आवर्त सारणी के रूप में तत्वों को किसने रखा किसने रखा मेंडलीफ ने रखा ओके डन फटाफट नोट कर लेना क्वेश्चन आए तो आंसर देना ठीक चलते हैं आगे अब चलते हैं अपन जो मैंडलिफ ने सारणी दी है वो सारणी को अपन किस तरह देख सकते हैं खोजा है लेकिन सारणीबद्ध जो है वो मैंडलिफ ने ही किया है राइट तो मैंफ की सारणी में आपको दिखाई दे रहा है कि सारणी में जिस तरह से एक चैकर बॉक्स की तरह से जैसे ये बनी हुई है ना उसमें जो तत्व रखे गए हैं वो डॉबेराइन ने त्रिक के रूप में दिए थे जो क्लीन है वो मैंडलिफ ने ही रिसर्च करके लिखे गए हैं उन्होंने ही इनको खोजा है क्लियर बात समझ में साथ ही मैंडलिफ ने लेंथेनोइ सीरीज एक्टिनाइड सीरीज और कुछ नॉन टू अपने पास जो तत्व हैं उनको कुछ इस प्रकार से रखा है जो क्या है बढ़ते और घटते हुए क्रम में है तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर रखा है क्लियर चले असेंडिंग डिसेंडिंग होता है ना ऑर्डर वैसे रखा है चले। आगे, okay, डर। अब ये क्या कह रहा है? कुछ पॉइंटों के साथ अपनी सारणी को समझेंगे चले क्या कह रहा है पहला पॉइंट जरा ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे आवर्त सारणी में तत्वों को ऊर्दर पंक्ति में व्यवस्थित किया जाता है ऊर्ध्धर ये रहे ऊर्ध्धर इनके व्यवस्थित किया जा रहा है ना तो इन्हें हम क्या कहते हैं भाई उर्धर जो खड़ी लाइनें हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं भाई जल्दी बताओ समूह yes no? जल्दी बताओ जल्दी क्या कहते हैं समूह ठीक और जो छेतिज है उन्हें हम क्या कहते हैं आवर यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं बिल्कुल नहीं होना भी नहीं चाहिए आवर्त के रूप में माना जाता है ठीक बात है कोई दिक्कत नहीं अब ये क्या कह रहे हैं रोमन अंकों द्वारा फर्स्ट सेकंड, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सेवन सिक्स सेवन एट और शून्य के रूप में दर्शाए गए नौ समूह हैं समूह नौ है क्या खड़ी लाइनें गिनो एक यानी जीरो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ क्लियर ये रहा ओके आ गया आठ है शून्य से आठ यानी नौ हो गए टोटल समूह ठीक है ये बात क्लियर हो गई आगे आओ आठवें में नौ तत्व शामिल हैं जो तीन त्रिकों के रूप में हैं आओ आठवें में तीन तत्व शामिल हैं जो क्या है त्रिक के रूप में यानी डोबेराइन त्रिक के जैसा ही इन्होंने भी प्रदर्शित किया था त्रिक के रूप में इन्होंने तत्वों को रखा ठीक है सही भी है व्यवस्थित है शून्य समूह में अक्रिय गैस या अक्रिय गैस से संबंधित तत्व होते हैं जो मौजूद तत्वों की संयोजकता हो होती है अक्रिय गैसें क्या होती जो किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करती हैं रिएक्शन का मतलब क्या होता है जो सक्रिय नहीं है ठीक है जो सक्रिय नहीं होते हैं उन्हें अक्रिय या जो क्रियाशील नहीं होते उन्हें अक्रिय तत्व कहते हैं और ये सभी गैस फॉर्म में है बच्चों किस फॉर्म में गैस फॉर्म में इसलिए अक्रिय हीलियम, नियोन ऑर्गन क्रिप्टोन जीनोन और रेडोन क्लियर बात समझ में आ गई होगी तो कहा कि की आवर्त सारणी में सात आवर्त क्षेत्र पंक्ति के रूप में विन्यासित है एक दो तीन चार पांच छ सात राइट सात आवर्त नजर आ रहे हैं क्लियर सात आवर्त हैं बाद में कम ज्यादा हो गए वो कोई दिक्कत नहीं है वो हम आगे बात करेंगे लेकिन अभी जो सारणी मैंडलिफ ने दी तत्वों की वो बिल्कुल जस्टिफाइड है तत्व व्यवस्थित है आवर्त में है समूह में है और तत्वों का जो क्रमांक दिया गया है वो भी सही है परमाणु भार के आधार पर उन्हें जो बढ़ते हुए क्रम में लिखा है वो ठीक है लेकिन कुछ कमियां अभी भी हैं कुछ तत्वों को उन्होंने जो बताया है उसमें कुछ कमियां है वो कमियां कौन सी है वो यहीं पर डिस्कस करेंगे थोड़े से महत्व को देखकर कमी पर आएंगे उसमें दोष कहाँ से आए वो अभी देख लेंगे ठीक है चले आगे बात समझ में आ गई तो चलते हैं आगे आइए अब महत्व की बात करते हैं सबसे पहले कहा कि तत्व जो है उनका अध्ययन इस अर्थ में काफी व्यवस्थित बना दिया कि यदि किसी विशेष समूह में एक तत्व के गुणों को जाना जाता है तो दूसरों के गुणों का अनुमान लगाया जा सकता है कैसे जैसे यदि अपन यू कहें कि अपने को यह पता चल जाए कि अम्ल खट्टे होते हैं अब वो एसिड प्रबल हो दुर्बल हो लेकिन ये करेक्ट स्पेसिफाइक है कि एसिड स्वाद में खट्टे होंगे तो होंगे ही स्वाद तो होगा और खट्टा ही होगा ऐसे में यानी गुण पता चला ऐसे ही तत्वों का जब गुण देखा गया तो कहा कि किसी भी समूह में यदि आप एक तत्व को देख लें कि वो क्रियाशील है तो यानी पूरे समूह में जो तत्व उपस्थित है वो सभी क्रियाशील होंगे राइट right? क्लियर हो गई बात समझ में आई सेकेंड पॉइंट इसमें बाद के चरण में इन तत्वों की खोज में काफी हद तक मदद मिली सही बात है कि एसिड है तो एसिड कोई तत्व है तो वो क्षारिय प्रवृत्ति का है तो क्षार्य प्रवृत्ति पता चली तो अब ऐसे तत्व कौन कौन से और हम खोज सकते हैं तो और नए खोजा गया था ना तभी तो आवर्त सारणी में आज 118 तत्व मौजूद हैं क्लियर तो इन तत्वों को उन्होंने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर बढ़ते हुए वे क्रम में व्यवस्थित दि भी कर दिया कोई दिक्कत नहीं है क्लियर हो गई थी बात वो तो हमने देख भी लिया था परमाणु द्रव्यमान के आधार पर बढ़ता हुआ क्रम लिखा है अब देखते हैं थोड़ा सा हम इनके दोष दोष कौन से हैं चले दोष कैसे हैं तो कहा कि हाइड्रोजन की स्थिति नहीं बता पाया हाइड्रोजन का नंबर एक है ना भार भी एक है ना तो स्टार्टिंग में रखो पर आज तक हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं है ठीक सेकंड आइसोटॉप की स्थिति नहीं समझा पाया आइसोटॉप क्या होते हैं आवर्त नियम के अनुसार अलग अलग रखा कि सभी समस्थानिकों को एक ही स्थान दिया गया था यानी कि जो समस्थानिक हैं, समस्थानिक हैं, समस्थानिक का मतलब होता है एक भार समान नहीं हो सकता स्थान समान है यानी कि कार्बन की बात करूं कार्बन खोजा गया ही था कार्बन बारह कार्बन तेरा और कार्बन चौदह तो तो पर है। तो आपका कार्बन तो तीन जगह घेरेगा ना सारणी में वो तीन बार लिखा जाएगा ना कार्बन बारह कार्बन तेरह और कार्बन चौदह मैंडलिफ की सारणी के अनुसार तो यही चीज होगी हाँ या ना लेकिन ऐसा संभव थोड़ी है इसका मतलब एक तत्व तो यानी कि एक ही चीज चार बार लिखी जा रही है तो फिर कैसे हम लोग उसको आइडेंटिफाई करेंगे भाई ऐसा तो पॉसिबल नहीं है तो इस बात को कहा गया ऐसा कैसे हुआ तो मैं इसको नहीं समझा पाया चले अब उसने दूसरा दोष क्या कहा दूसरा उसने कहा आवर्तता का कारण क्या है गुणों में बार बार रिपीटेशन हो रहा है एक गुण के जैसा ही दूसरा दूसरे जैसा ऐसा क्यों है भाई ऐसा क्या है ये नहीं बता सके कि बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित करने पर तत्व अपने गुणों में क्यों नहीं आवर्तित हो रहे है उनका उनके गुण कैसे बदल रहे हैं और क्यों नहीं बदल रहे बदल रहे हैं तो भी क्यों और नहीं बदल रहे तो भी क्यों नहीं बदल रहे इसको मेरे नहीं समझा पाया राइट आगे चले तत्वों के विसंगतिपूर्ण जोड़े कुछ विसंगतिपूर्ण जोड़े मौजूद थे ताकि सॉरी जैसे टेल्यूरियम और आयोडीन हिसाब तो यह कहता है हिसाब मतलब कायदे से बात तो यह होती है कि छोटे को पहले और बड़े को बाद में लिखो सही बात है घर में कोई चीज आती है तो छोटे को पहले दी जाती है और बड़े को बाद में अगर बड़े को पहले दे दी तो ये तो वो तो क्या हो गया नियमों के विरुद्ध हो गई बातें राइट कैसे जरा एक नजर डाल लो इधर फटाफट 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 देखो देखो यहां पर जरा आओ, क्या है यहां पर यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा आयोडीन और ये रहा टेल्यूरियम दिखाई दे रहा है बच्चों यस और नो बोलो भाई कमेंट में ये टेल्यूरियम यहां नहीं आना था और ये आयोडीन यहां नहीं आना था आना था ना लेकिन नहीं आया क्रम बदल दिया छोटे बड़े के बीच में क्रम हो गया यहीं पर देख लो XOC 184 यहां क्या है ये और ये, ये पहले आना था ये बाद में आ रहा है सही है बात क्लियर हो गई तो इस प्रकार तत्वों में कुछ क्या दिखाया गया वेरिएशन आ गया तो ये क्या हो गई बात नहीं वो समझा नहीं पाया उसने बहुत मेहनत से सारणी को बनाया पर फिर भी कुछ कमियां रह गई और रही तो भी ठीक बात है अगर नहीं रहती तो मोजने नहीं आता वो रिसर्च नहीं करता वो नहीं बता पाता तो कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है तो अपन बात कर लेते हैं थोड़ी सी आगे मोजले की आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में राइट यस तो मोजले आया उसने आधुनिक आवर्त सारणी, सारणी ने दे दी पर उसको थोड़ा सा रिचेंज किया क्या कहा, कहा कि जो भौतिक और रासायनिक गुण है वो परमाणु भार नहीं परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं जो गुणों में आवर्तता प्रदर्शित हो रही है वो क्रमांक की वजह से है भारों की वजह से नहीं है क्लियर तो इसे दीर्घ रूप देकर उसे आवर्त सारणी भी कहा जाता है मॉडर्न आवर्त सारणी भी कहते हैं आधुनिक आवर्त नियम पर आधारित है इन तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर लिखा जाता है यानी भार को हम लोग नहीं देखेंगे हम देखेंगे केवल क्रमांक एक दो तीन चार पांच क्रमांक कभी भी रिपीट नहीं होगा जिसका क्रमांक है तो छो कार्बन का ही होगा नाइट्रोजन का कभी नहीं हो सकता राइट इस चीज को ने बहुत अच्छे से क्लियरिफाई किया कैसे किया जरा एक नजर डालते हैं आधुनिक आवर्त नियम देते हुए उन्होंने कहा कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं ये बात तो समझ आ जानी चाहिए जो मैं कह रही हूं क्लियर चलते हैं आगे आवर्त सारणी का वर्तमान स्वरूप क्या था हमारे समक्ष जो वर्तमान में आवर्त सारणी है वो किस रूप में है वो हम सब देखते हैं हमने पढ़ी हुई भी है क्लास में पढ़ी हुई है लेकिन आज हम उसको थोड़ा सा डिटेल में देख रहे हैं ताकि आपको वो चीजें समझ में आए ओके तो चलते हैं कि आवर्त सारणी का दीर्घ स्वरूप जिसे बता दिया गया था आधुनिक आवर्त नियम पर आधारित है इस तालिका में तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के व्यवस्थित किया और कहा सौ से अधिक परमाणु संख्या वाले तत्वों का नामकरण भी किया और वो नामकरण आयु पी के अकॉर्डिंग हुआ था क्लियर तो ये था आपका मोजले का दीर्घ रूप जो उसने बताया था आवर्त सारणी समूह की संरचनात्मक विशेषताएं आवर्त सारणी तो पता है मेंडलिफ ने बता दी समूह होते हैं आवर्त होते हैं मैंफ ने बता दिया अब किसने क्या कहा किसने नहीं मोजले ने क्या कहा कहा? कि जो समूह है उसकी संरचना में क्या क्या मौजूद है जैसे ने समूह में तत्वों को रखा तो सही। पर तत्व हैं कितने ये नहीं बता पाया तो इन्होंने कहा जब आप समूह में व्यवस्थित करते हैं तो कुल अठारह समूह होंगे उसके कितने समूह थे बताओ कितने समूह थे उसके पास उसके साथ पास ऊर्ध समूह थे ना वो कितने थे आठ और एक जीरो नौ ही थे इसने कितने बता दिए अठारह यानी इस तरह से खड़ी जो लाइनें हैं वो कितनी है भाई अठारह हैं मैंडलिफ आवर्त सारणी के विपरीत प्रत्येक समूह एक स्वतंत्र समूह है जबकि उसने एक समूह में तीन तीन तत्वों को रख दिया था यस और नो बातें याद रखो पीछे की चीजों को याद रखो तभी वो क्लियर बात समझ में आ गई ठीक है जी अब अब चलते हैं आगे कह रहा है समूह की विशेषता जो समूह उनकी विशेषता है देखो सभी तत्वों के परमाणुओं का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होता है यानी अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एन एस वन है तो पूरे समूह में सभी का एन एस क्लियर अंतिम कक्ष का इलेक्ट्रॉन देखा जाता है तो अंत में सबके वन ही आएगा ये क्वालिटी थी समूह की ने कहा दूसरा समूह में तत्वों को परमाणु क्रमांक के निश्चित अंतराल में व्यवस्थित किया गया अभी जब मैं वो अवर सारणी दिखाऊंगी वहां मैं ये करके दिखाऊंगी आपको कि किस तरह से दो आठ आथ, आठ आथ, अट्ठारह अठारह बत्तीस का क्रम है वास्तव में है ये इसीलिए याद रखना भी जरूरी है अगर आप किसी का भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको या यूं कहूं परमाणु क्रमांक आपको याद नहीं हो रहा है तो केवल आप ये याद कर लें दो आठ आथ, आठ आथ, अठारह अट्ठारह बत्तीस में कहूं एकदम क्लियर हो जाएगा परमाणु क्रमांक कभी गलत होगा नहीं एक सौ एक प्रतिशत अभी मैं आपके सामने एग्जाम्पल प्रस्तुत करूंगी वहां पर आपको समझ में आ जाएगा तो ये थर्ड कह रहा है समूह में नीचे की ओर कोशों की संख्या बढ़ने के कारण तत्वों का परमाणु आकार बढ़ता है जब क्रमांक में वृद्धि हो रही है ऊपर से नीचे आ रहे हैं एक तीन क्या एक तीन सात ग्यारह जो भी अपन लेते हैं तो वो तत्व जो हैं उनका क्रमांक बढ़ता है तो आकार बढ़ता है और साथ ही उनके भौतिक गुण जैसे मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट घनत्व घुलनशीलता आदि भी इसी का पालन करते हैं प्रत्येक समय में तत्वों को आमतौर पर रासायनिक गुण होते हैं समान रासायनिक गुण होते हैं जिनको बदला नहीं जा सकता है क्लियर हो गई गई बात बात समझ में आ गई तो फटाफट उतारेंगे चलते हैं आगे अब आया आवर्त काल का मतलब होता है आवर्त आवर्त मतलब इस तरह से लेटी हुई छिज लाइने आवर्त सारणी में छेद पंक्तियों को आवर्त कहा जाता है दीर्घ रूप में कुल सात आवर्त है अति लघु लघु दीर्घ अति दीर्घ चार इस तरह से समूह बांटे गए थे राइट जो अति लघु है उसमें दो है जो लघु है उसमें आठ है जो क्या है दीर्घ है उसमें अठारह है जो अति दीर्घ है उसमें बत्तीस तत्व विन्यासित हैं। इसलिए एक, एक समूह बताया गया था आवर्त की विशेषता क्या होती है सभी तत्वों में इलेक्ट्रॉन एक ही संयोजकता कोश में भरे जाते हैं। क्या कह रहा है एक ही संयोजकता कोश में भरे होते हैं इलेक्ट्रॉन ध्यान रखना एक ही संयोजकता कोश मतलब क्या बाह्यतम कक्ष में हाँ या ना जैसे आप बात करते हैं ना आप लिखते हैं ना हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन यहां तक ही बात कर लो तो अपने पास जब अपन इसकी बात करते हैं तो अपन देखते हैं वन एस वन वन एस टू राइट पहला कोश अब हीलियम वन एस टू ठीक है बेरिलियम, बोरोन, बन तो इन तत्वों में भी इसी प्रकार एक ही, ही किस में, में संयोजकता यानी इन सब का जो कक्ष होगा उसमें इलेक्ट्रॉन जो भरे जाएंगे वो एक ही इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं समान इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं किसने कहा हेनरी मोजे ने ये बात तो समझ में आ गई अब इनका क्रम कैसे भरूंगी वो वहां सारणी में बताऊंगा यहाँ तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे कि मैडम कैसे हुआ क्योंकि तो ये तत्व तो नीचे हैं हाइड्रोजन ऊपर है हीलियम के बराबर फिर लिथियम इसके नीचे आता है तो मैं वहां पर सब कुछ क्लियर करूंगी तो लास्ट तक जुड़े रहना ठीक है आकार आमतौर पर बाएं से दाएं घटता जाता है ठीक है अब आ गई साड़नी आई गई बड़ी जल्दी आई आ गई चलो ठीक आओ भाई आओ सबसे पहले उसने क्या कहा उसने कहा कि तत्व जब समूह में है समूह में है सारी चीजें समझ में आएगी एक आवर्त सारणी दी गई है जिसमें अठारह समूह जरा ध्यान देंगे एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह और 18 1 से 18 तक क्या है भाई समूह है क्लियर ठीक है आओ आगे कहा कि एक समूह में जो तत्व रखे गए हैं बराबर उन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होता है बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन समान होंगे सही है चेक कर लेते हैं हाइड्रोजन 1s1 लिथियम 1s2 एस वन सोडियम वन एस टू टू एस टू टू पी क्या दो, दो चार और क्या हुआ टू पी सिक्स और थ्री एस वन एस 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 सब में कितना इलेक्ट्रॉन वन ठीक हाँ ना, सेकंड जो लिखे गए हैं वो जो तत्व तो तो रखे गए हैं निश्चित अंतराल में रखे गए हैं कैसे चेक करते से हीलियम में जाओ वन में टू जोड़ो कितना आया तीन लिथियम तीन में आठ जोड़ो कितना आया ग्यारह सोडियम ग्यारह में आठ जोड़ो कितना आया उन्नीस पोटेशियम अठारह जोड़ो उन्नीस में सैतीस फिर अट्ठारह जोड़ो पचपन फिर बत्तीस जोड़ो सैतीस हाँ या नहीं कितना कौन सा क्रम दो आठ आठ अठारह अठारह बत्तीस यही क्रम बताया था उन्होंने राइट सही है जस्टिफाइड है बिल्कुल है क्लियर हो गई बात यस और नो जल्दी कमेंट में लिखो सेकंड उन्होंने कहा कि जो तत्व बाएं से दाएं जाते हैं तो वो एक ही समूह में बताया था ना इलेक्ट्रॉन एक ही संयोजकता कोश में भरे जाते हैं सभी तत्वों में आवर्त में उपस्थित सभी तत्वों में आवर्त में उपस्थित इलेक्ट्रॉन एक ही संयोजकता कोष में भरे जाते हैं हो सकता है ऐसा ना हो एक ही आवर्त में आवर्त संयोजकता कोष सेम ये आवर्त पहला फर्स्ट तो फर्स्ट 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 दूसरा आवर्त तीसरा आवर्त चौथा आवर्त पांचवा छठा सातवां सात ही आवर्त तो है सात आवर्त में विभक्त कर दिया ये दो है वो बीच में एंटर करेंगे वो कैसे करेंगे वो बाद में बताऊंगी क्योंकि अभी तो इन चीजों की जरूरत नहीं है तो ये बात थोड़ा सा अभी जस्टिफाइड नहीं है इस बात में थोड़ी सी दिक्कतें हैं वो नहीं है एक आवर्त में सभी समान नहीं अलग अलग देखे जाते हैं वो क्लियर नहीं है बात वो बाद में समझाई जाएगी ठीक तो ये बातें क्लियर हो गई ये बातें तो जस्टिफाइड हो गई समझ में भी आ गई आवर्त सारणी में जो कहा वो हमने समझा दिया क्लियर है बात क्लियर है जी क्लियर है अब चलते हैं आगे कहा कि अगर अपन देखें कि अपने पास कोई भी तत्व है तो उनमें धातु अधातु धातु और उपधातु भी तो है हाँ आवर्त सारणी में रखी गई थी जरा ध्यान देना धातु ए धातु कौन कौन सी बेटा यहाँ लिखा गया है सबसे पहला जो कक्ष होता है वो धातुएं क्षार धातुएं दूसरा क्षारीय मृदा धातुएं फिर आती है संक्रमण धातुएं उसके बाद आती हैं उप ये सब क्या है दो चार दो छह और एक साथ ये सब उप हैं और उसके बाद जो अपने को दिखाई दे रही हैं उप धातुओं को छोड़कर जो दिखाई दे रही हैं वो सब क्या है अ धातु और ये लास्ट में जो है वो सब क्या है अक्रिय और ये भी क्यों कहा क्योंकि इन सब के बाहितम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है आठ यानी अष्टक पूर्ण है अगर अष्टक पूर्ण है तो वो ना इलेक्ट्रॉन लेगा ना देगा इसलिए वो अक्रिय शब्द का यूज किया गया है राइट बात समझ में आ गई तो यदि किसी भी आवर्त में कहा जाए कि अक्रिय गैसों की बात की जा रही है तो वहां पर सदैव इलेक्ट्रॉन पूर्ण पूरी होंगे अगर 18 तक रुक रहे हैं तो 18 अब ना लेना ना देना तो 18 तत्वों तक आ गए बात समझ में आ गई क्लियर हो गई बिल्कुल उतारेंगे जल्दी से चलते हैं आगे अब है तत्वों का आईयूपीएससी नामकरण तत्व जो बताए ना उन्होंने कहा सौ तत्वों का नामकरण तो नामकरण तो बनते आ जाओ नामकरण दिया तत्वों का आयुपीसी नामकर तो तत्वों का आयुपीसी नामकरण क्या कह रहा है तीन तीन अंक तीन अंकों की परमाणु संख्या के लिए जड़ों का उपयोग करके प्राप्त किए जाते हैं क्लियर आओ भाई ये देखो जीरो के लिए नील अन बाई ट्राई क्वाड पेंट हेक्स सेप्ट ऑक्टोर क्लियर है। अब यदि आपको 101 का नाम लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे संख्याओं का नाम जब लिखते हैं तो कहा कि जीरो से एक से नौ के लिए संख्यात्मक जो, जो जोड़े होते हैं जो साथ में उपयोग किया जाता है उनके परमाणु क्रमांक से सीधा एक व्यवस्थित नामकरण किया जाता है और अंकों के क्रम में एक साथ रखा जाता है जिसे परमाणु क्रमांक बनता है और अंत में एम जोड़ दिया जाता है सौ से ऊपर वाले तत्वों के आयु नाम इस प्रकार है पहला, one, zero, one. अच्छा, one को क्या कहते हैं अन अब आप के साथ साथ ये पेन भी पूरे मजे लेते हैं वन अन जीरो नील वन अन नाम के पीछे क्या जोड़ दो एम क्या बन गया अननिल अनियम अननिल अनियम अननिल बाईम अननिल ट्राईम अननिल क्वाडियम अननिल पेंटियम अननिल हेक्सियम अननिल सेप्टियम अननिल ऑक्टियम क्लियर बात समझ में आई आज की डेट में तत्वों को खोजा गया है जिस साइंटिस्ट ने जिस तत्व को खोजा उसी के नाम पर उनके नाम रख दिए गए हैं और उनके सिंबल्स यानी प्रतीक चिन्हों को भी रख दिया गया है क्लियर बात समझ में आ गई राइट right जी राइट right. चलते हैं आगे अच्छा ये बात समझ में आई ना फर्स्ट फर्स्ट शब्द ले लो यू एन और यू क्लियर ठीक है चलते हैं ये क्वेश्चन आता है स्टार लगाओ वन जीरो वन का आई नाम लिखो और आधुनिक नाम भी लिखो जिस साइंटिस्ट ने दिया है वन जीरो ने की तो मैंडलीव के नाम पर रख दिया ठीक है चले आगे आगे देखो थोड़ा सा एक सौ नौ से एक सौ अठारह अनिल राइट बात समझ में आ गई तो इनके तत्वों को भी अब खोज लिया गया है तो ये बातें क्लियर हो जाती है क्लियर बात समझ आई हो तो फटाफट बताएंगे क्लियर हो गई अन अन अनियम अन 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 अनियम अन अन बायम अन अन ट्रायम अन अन क्वाडियम क्लियर बात समझ में आ गई हो चलते हैं ये तो हुआ आईयूपीएसी नामकरण कंप्लीट बात समझ में आ गई आई नामकरण कंप्लीट हो चुके हैं यानी आज आपने जो जो भी पढ़ा है उसका एक बार फटाफट रिवीजन के तौर पर हम करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स लेकर के उनकी प्रैक्टिस देखती हूँ आज किस किसने कितना अच्छे से पढ़ा है अगर जो आंसर सही देंगे वही आज अच्छा बच्चा है क्योंकि उसने सारे क्लास ध्यान से पढ़ी है भाई चलो आओ भाई पहला क्वेश्चन आवर्त सारणी के रूप में तत्वों का निम्न लिखित है सर्वप्रथम किसने दिया था आवर्त सारणी तत्वों को सबसे पहले किसने व्यवस्थित किया मेंडेलीफ लेवाशिये, जॉन न्यूलैंड और लोथर मेयर फटाफट फटा आपका टाइम शुरू होता है अब मैं 10 तक काउंट करी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डन बताओ क्या आंसर आएगा जल्दी बताओ भाई आंसर क्या है इसका इस क्वेश्चन का आंसर बताओ बिल्कुल वेरी गुड मेरे हुनहार बच्चों कहते हैं दिल गार्डन गार्डन हो गया आपको पढ़ाकर मैंडलिफ वेरी गुड बच्चों सेकंड क्वेश्चन पे आए आ ये देखो मैंडलिफ की संशोधित सारणी में शून्य और आठवें वर्ग को छोड़कर अन्य वर्गों को किस में विभाजित किया था जरा ध्यान दिया था शून्य और आठवां तो वैसे ही था लेकिन बाकी वर्ग किसमें व्यवस्थित थे ए बी ए बी ए वर्ग का क्या बनाया उपवर्ग बनाया आंसर क्या होगा उपवर्ग ए और बी ध्यान देना था वहां पर आपने ध्यान दिया नहीं इसीलिए पता नहीं चला राइट कोई बात नहीं आंसर समझ में आया क्लियर सेकंड अगला क्वेश्चन आईयूपीएससी के अनुसार आवर्त सारणी में कुल समूह आवर्त क्रमशः हैं कितने हैं जल्दी बताओ फटाफट आंसर बताओ इसका सोलह नौ अठारह सात अठारह नौ तेरह सात कितना ये तो आना चाहिए भाई वेरी गुड कितना आंसर सभी बच्चों ने राइट आंसर वेरी गुड वेरी गुड अठारह और सात वेल डन वेल डन वेल डन मेरे बच्चों वेरी गुड सेकेंड क्वेश्चन अगला देखो आधुनिक आवर्त सारणी में किस वर्ग में पूर्ण आवरण वाले संयोजी इलेक्ट्रॉन और रासायनिक रूप से अक्रिय तत्व होते हैं कौन से वर्ग में सॉरी कौन से आवर्त में वर्ग कह रहा है कि आवर्त में किस वर्ग में हाँ किस वर्ग में यानी समूह में कौन सा समूह था बताओ जल्दी मैंने बताया था अभी जो है कौन सा था जल्दी आंसर भाई वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बच्चों आंसर इज राइट एटीन क्लियर अट्ठारवा वर्ग है नियोन, आर्गन, जो अक्रिय गैसों के रूप में जाना जाता है जिसमें पूर्ण बाह्यतम कक्ष भरा हुआ होता है इलेक्ट्रॉन ना देते हैं ना लेते हैं इसलिए इन्हें अक्रिय कहा जाता है तो चलो जी बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे कि आप लोगों ने इतना अच्छे से ध्यान से इस क्लास को पढ़ा वेरी गुड बेटा जितना मैंने पढ़ाया उसके नोट्स पक्का बना लेना अच्छे से ताकि आप सबको वो चीजें समझ में आ जाए ओके okay? तो आज जो भी कुछ भी पढ़ा है अच्छे से नोट्स बना के अच्छे से पढ़ना मन लगाकर ध्यान से तब तक खुश रहो मस्त रहो मन लगाकर पढ़ते रहो थैंक यू